नमस्कार योगी, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लेकर आया हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। उससे पहले मैं आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 8 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैं आपको योग में जो कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए योगी, स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो आज हम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने भी योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उनकी अवधि है और क्या योग्यता है उन योगा के कोर्सेज को करने की। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एडमिशन में जाना है और ई प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं पद लिखा है शैक्षणिक नियम परिचयिका 22-23। तो उसके बाद आप विश्वविद्यालय संक्षिप्त परिचय भी पढ़ सकते हैं, जो विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ उसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है विभिन्न पाठ्यक्रमों में अर्हता एवं प्रवेश नियम। तो यहाँ पर जितने भी हुए कोर्स होते हैं तो मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊँगा। तो हम पहले कोर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है बीए योग, जिसकी अवधि 3 से 4 वर्ष है। और अगर इसकी योग्यता की बात करें तो किसी भी राज्य सरकार अथवा विधि द्वारा स्थापित बोर्ड संस्था से मान्यता प्राप्त 12वीं होनी चाहिए, जिसमें आपके 40% अंकों से साक्षात्कार काउंसलिंग के आधार पर वृद्धता सूची अनुसार अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो चलिए हम अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एमए योग, जो 2 वर्ष इसकी अवधि है। अगर योग्यता की बात करें तो हम 10+2+3 परीक्षा 40% अंकों से साक्षात्कार काउंसलिंग के आधार पर वरिष्ठ सूची अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो चलिए हम अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है योग विषय में विद्यावारिधि, मतलब ये PhD कोर्स है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो 3 वर्षीय शोध कार्य है ये। योग्यता की बात करें तो आचार्य योग, MA योग अथवा सांख्य योग, वेदांता, नेचुरोपैथी में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इसमें आप ये देख सकते हैं बोल्ड में लिखा है केवल JRF अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों ही प्रथम चरण के प्रवेश परीक्षा से मुक्त, परंतु उन्हें निबंधात्मक लिखित परीक्षा प्रवेश देना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें ऑप्शनल एग्जाम होता है वो देना जरूरी नहीं है इसमें, परंतु उन्हें निबंधात्मक लिखित परीक्षा देना अनिवार्य है। JRF अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा का आवेदन पत्र और उसका शुल्क अनिवार्य रूप से भरना होगा। तो चलिए हम अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जो है अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब होता है पार्ट टाइम। टाइम कोर्सेज की बात कर लेते हैं जिसमें सबसे पहला कोर्स है षणमासिक परिणाम पत्रीय योग, 6 माह का कोर्स है। इंटरमीडिएट 10+2 सक्षम परीक्षा संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान से होनी चाहिए आपकी। चलिए हम अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है PG योग का डिप्लोमा, 1 वर्षीय, जिसके 2 सत्रों में होगा, मतलब 2 सेमेस्टर्स होंगे जिसके, और जिसकी अवधि 1 वर्ष। शास्त्रीय अथवा स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 40% अनिवार्य है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम अगले कोर्स की बात करें जिसका नाम है 1 वर्षीय PG डिप्लोमा योग एवं नेचुरोपैथी, जो 2 सत्रों में होगा, मतलब 2 सेमेस्टर होंगे इसके साल में, वो 1 वर्ष का कोर्स है वो। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य परिणाम पत्र देने पर ही पार्थिव का प्रवेश मान्य होगा, मतलब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा तभी आपको इस एडमिशन मिलेगा। प्रवेश आर्थियों ने विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था, महाविद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 10+2+3 परीक्षा में 40% से होनी चाहिए, वीरता के क्रम से होगा। प्रवेशार्थियों की आयु 35 वर्ष से अधिक ना हो, कहीं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों की आयु में शीतलता या महोदय जी का दिना आदेश संभव होगा। भारतीय दर्शन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो मैंने जो आपको यहाँ कोर्सेज बताए हैं उनकी फ़ीस भी देख लेते हैं, उनकी क्या क्या फ़ीस है। तो मैं जैसे पहले कोर्स की बात करती थी जिसका नाम था BA योग, तो उसकी टोटल फ़ीस जो है आप देख सकते हैं 10,400 रुपये है। तो मैं अगले कोर्स की बताता हूँ जिसका नाम है MA योगा, जिसकी हमने बात करी थी यहाँ पे, उसकी फ़ीस 20,400 रुपये है। तो हम अगले कोर्स की बात करते थे विद्या
वारधी पीएचडी कोर्स था जिसकी 5500 फीस है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो अंशकालिक पाठ्यक्रम है उसकी देख लेते हैं, जो पार्ट टाइम कोर्सेज हैं उसकी भी देख लेते हैं। पहला कोर्स जो था षण्मासिक योग पत्रीय पाठ्यक्रम, जिसकी फीस आप देख सकते हैं 10,000 रुपये है। और जो एक वर्षीय पीजी योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसकी 15,000 रुपये है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब अगले कोर्स की मैं बता देता हूँ आपको। जो एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा योगा एवं नेचुरोपैथी था उसकी 15,000 रुपये फीस है। तो मैं आपको इनकी लाल बहादुर की वेबसाइट पर फिर से लेके जा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म के नोटिफिकेशन भी निकले हुए हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एडमिशन नोटिस 22-23, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो उसके आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस 22-23, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइट बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशन इन टू द फॉलोइंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम कोर्सेज फॉर द अकेडमी सेशन 22-23। एडमिशन शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट एज पर द मेरिट लिस्ट इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर कोर्सेज ओनली। हाउएवर द एडमिशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस कोर्सेज शैल बी मेड द थ्रू इंटरव्यू। तो हम देख लेते हैं जो जो रेगुलर कोर्स हैं, जैसे एमए योगा जो मैंने आपको बताई, एमए योगा इसके भी फॉर्म निकले हुए हैं। और जो पार्ट टाइम कोर्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा जो मैंने आपको बताया योग, और सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया योग में 6 महीने का है। तो अब देख लेते हैं इसको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फॉर द रेगुलर पार्ट टाइम कोर्स इनवाइटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस एंड रेगुलर एंड पार्ट टाइम कोर्स विल बी ₹300 आफ्टर ड्यू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फी विल बी ₹450 इन केस ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटी। द कैंडिडेट कैन ऑल्सो डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब अगर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं हो पा रही तो आप फॉर्म को डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सेंड द थ्रू रजिस्टर्ड थ्रू पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट अलॉन्ग विद द रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड डिमांड ड्राफ्ट फॉर द एनी नेशनलाइज बैंक इन फेवर SLB यूनिवर्सिटी पे एबल इन एट न्यू दिल्ली। और इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 16/5/2022 से 1/7/2022 तक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फीस 2/7/2022 से 4/7/2022 तक है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड जो 5/7/2022 से 15/7/2022 को कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका वो 17/7/2022 को संडे को होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने भी योगा कोर्स होते हैं मैंने आपको उसके बारे में जान दे दी है। तो मैं आपको एक बार कोर्सों के नाम बताया था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। BA योग, MA योग, PhD, षण्मासिक योग जो 6 महीने का है, एक वर्षीय PG योग डिप्लोमा और एक वर्षीय PG डिप्लोमा योग एवं नेचुरोपैथी। तो इस तरह से आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेके एक योग टीचर बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार योगीश।